हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जून के क्वेश्चंस बताऊंगा। यह जून के क्वेश्चंस का पार्ट वन है। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए देश की पहली आधुनिक फॉरेंसिक लैब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसमें आंसर आएगा चंडीगढ़ में, और इसकी आधारशिला महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी के द्वारा रखी गई। इसका उद्देश्य देश में लंबित यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक विश्लेषण में कमी को दूर करना है, और इस प्रयोगशाला को सखी सुरक्षा उन्नत डीएनए फॉरेंसिक प्रयोगशाला नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी सेंट्रल जीएसटी और एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी आईजीएसटी का केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा सेवा भोज योजना के तहत, और योजना में भोजन, प्रसाद, लंगर आदि शामिल है। परोपकारी धार्मिक संस्थानों में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, धार्मिक आश्रय, दरगाह, मठ आदि शामिल है, जो कम से कम 5 वर्षों से 1 महीने में कम से कम 5,000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करते हैं। योग्य संस्थानों को दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा गोपाबंधु संबादी का स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट का विकल्प चुनने की सुविधा दी जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम विकल्प के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है, और यदि यात्री विकल्प सुविधा का चयन करता है तो उसे 12, 24 और 48 घंटों के अंदर प्रस्थान करने वाली अन्य पसंदीदा ट्रेनों का चयन करना होगा, और इसके अलावा आरक्षण फॉर्म में आधार नंबर देना अब ऐच्छिक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से पुणे तक चलने वाली भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस ने अपनी सेवा के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 88 साल। इसे दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन ने 1 जून 1930 को परिचालन शुरू किया था। यह भारतीय रेलवे द्वारा पेश की जाने वाली पहली डीलक्स ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा जस्टिस नासिरुल मुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 2 जून को, और आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 2 जून 2014 को यह भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी विकसित परमाणु सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा तट से डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। अग्नि 5 सतह से सतह की मिसाइल है, और यह अग्नि 5 का 6ठा परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने चौथे भारतीय रिजर्व बैंक उप गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया? तो इसमें आंसर आएगा मुकेश कुमार जैन को। वह एसएस मुंद्रा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल जुलाई 2017 में समाप्त हुआ था। अन्य मौजूदा उप गवर्नर श्री बीपी कनुनगो, डॉक्टर विरल वी आचार्य और श्री एनएस विश्वनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मधु सेठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा
रुदेंद्र टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन निस्तार किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा 38 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक सोकोत्रा द्वीप से निकालने से संबंधित है। चक्रवात तूफान मेकून के कारण होने वाले विनाश के चलते 38 भारतीय नागरिक द्वीप में 10 दिनों तक फंसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ईपीआर यानी यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू हुआ? तो इसमें आंसर आएगा ताइशन चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें आंसर आएगा मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जहाज एक्स मालाबार यानी एक्सरसाइज मालाबार 2018 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचे? तो इसमें आंसर आएगा गुआम में। अभ्यास मालाबार 1992 में अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। 2007 से जापानी समुद्री स्वरक्षा बल भी इस अभ्यास में हिस्सा लेता है। इस अभ्यास का लक्ष्य पारस्परिक समझ, अंतर संचालन और तीन देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे उच्च जोखिम वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, और अगर राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की तोप बंदूक धनुष का अंतिम परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पोखरण में, और इसे देसी बाफोर्स भी कहा जाता है, और इसकी 38 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है, और इसके 81% घटक स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं, और इस बंदूक की लागत 14.50 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया क्रिकेट T20 कप 2018 किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को 3 विकेट से हराया और अपना पहला एशिया कप खिताब जीता। भारत के अलावा यह खिताब जीतने वाला बांग्लादेश एकमात्र देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फ्रेंच ओपन 2018 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा सिमोना हैलेप ने। नेक्स्ट है, पुरुष फ्रेंच ओपन 2018 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा राफेल नडाल ने, और इस जीत से राफेल नडाल ने अपनी विश्व नंबर एक रैंकिंग बनाए रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें आंसर आएगा मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा विराट कोहली को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 और 2017-18-17 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी महिलाओं में के लिए बीसीसीआई ने पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स शीर्ष 100 की रैंकिंग में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसकी रैंकिंग 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106th विज्ञान कांग्रेस को 3 से 7 जनवरी 2019 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट प्रारूप में लंच से पहले शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें आंसर आएगा शिखर धवन, और इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला बल्लेबाज 1902 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का विटी टम्पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2018 को आयोजित हुई नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें आंसर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 17 जून को। और इस बार की थीम है भूमि का वास्तविक मूल्य, इसमें निवेश करें, यानी लैंड हैज ट्रू वैल्यू, इन्वेस्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ फिल्म फेस्टिवल 2018 18 से 24 जून तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य के समान तारे के चारों ओर घूमते हुए दूर के ग्रह की खोज की है, ग्रह का नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, ग्रह का नाम है एपिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने शनि जितने बड़े एक ग्रह की खोज की है, और वैज्ञानिकों ने यह खोज स्वदेशी तकनीक से बने PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च की मदद से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा कितने माइक्रोग्राम तय की गई है? तो इसमें आंसर आएगा 30 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के चौथे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।